नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ये नॉन कंडक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अगर बात करें कि कंडक्टर्स के अंदर कैसी होती है और डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर कैसा होता है, यानी कि नॉन कंडक्टर्स के अंदर कैसा होता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं हम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके अंदर अगर हम कोई भी कंडक्टर रख देते हैं तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? इसमें क्या होगा? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो क्या देख रहे हैं हम इधर? ये पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि सेम अमाउंट में हो जाते हैं, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन इसी तरीके से अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स के लिए देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर कोई भी हम नॉन कंडक्टर रख दें तो इसमें क्या होता है? जो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक भी अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जो जिसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे जनरेट करता है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो कि पोलराइजेशन के कारण होता है, तो हम ये पीछे शो करेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस जो चैप्टर में डाइइलेक्ट्रिक्स की ही बात करेंगे, तो डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में देखते हैं। जो डाइइलेक्ट्रिक्स है वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स जो है मेनली टू टाइप के होते हैं। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। अगर नॉन पोलर की बात करें हम तो पोलैरिटी आ रहा है, यानी कि पोलर मीन्स पोलैरिटी, यानी कि जिसकी कोई भी पोलैरिटी नहीं है, यानी कि डाइपोल नहीं बना रहे हैं। और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर डाइपोल बनेगा। तो नॉन पोलर को अगर हम देखें तो इसमें क्या आते हैं हमारे, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, इसी तरीके से आएंगे हमारे, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या आता है कि जो नॉन पोलर के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज के सेंटर हैं, क्योंकि वो डाइपोल नहीं बना रहे हैं, इसलिए क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे होंगे। जैसे कि अगर ये ऑक्सीजन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं हम, दो मॉलिक्यूल्स के दो एटम ड्रॉ कर रहे हैं हम ऑक्सीजन के, तो क्या होगा, एक का न्यूक्लियस ये है, एक का न्यूक्लियस ये है। लेकिन न्यूक्लियस में कोई से चार्ज, साइड में इनके रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसमें क्या बताया है, नॉन पोलर्स में क्या होता है कि उनके जो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, वो एक दूसरे के कोइंसाइड करते हैं, यानी कि दोनों का अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम बिल्कुल ऐसे मिलेंगे इनके सेंटर, ठीक है, और एक दूसरे के लिए कोइंसाइड करते मिलेंगे। इसलिए क्या होगा, उनमें कोई भी डाइपोल एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग से डिस्टेंस पर नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड किए हुए मिलते हैं, एक दूसरे के अंदर धसे भी होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर, इसलिए इनके अंदर डाइपोल नहीं बनता है और ये हमारे होते हैं नॉन पोलर। नेक्स्ट जो हम देखेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, यानी कि इसके अंदर क्या बन रहा होगा, डाइपोल बन रहा होगा, ठीक है। इसके लिए अगर हम देखें वोटर, ठीक है, HCl, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें HCl का ही, अगर एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का अगर हम एटम देखें तो उसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, एक डिस्टेंस के होते हैं, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए वो क्या बनाएंगे, एक डाइपोल, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा,
डिस्टेंस होगा, और जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो हम देख रहे हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर जो क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड किए होते हैं, एक दूसरे के अंदर धसे होते हैं, जबकि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, वो डाइपोल बनाते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड नहीं करते हैं, वो किसी ना किसी डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए वो एक डाइपोल बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम देखेंगे कि पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। एक कंटेनर में हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ले, नॉन पोलर में क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या मिलते हैं, एक ही जगह मिलते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड किए हुए होते हैं वो नॉन पोलर में। ये कैसे हमारे नॉन पोलर, नॉर्मली देखते हैं हम ऐसे ही होते हैं, तो यानी कि इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं ये उस टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई किया उनके ऊपर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये अगर शो करें तो क्या होगा, जो इसके पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएंगे और नेगेटिव जो चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स थे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बन गए हैं, और इस तरीके से नॉन पोलर का पोलर बनना में हम क्या बोल सकते हैं, पोलराइजेशन। तो ये क्या हो गया, पोलराइजेशन, यानी पोलराइज हो गए वो नॉन पोलर से पोलर बन गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें पोलर के ऊपर इफेक्ट, देखें किसी भी कंटेनर के अंदर हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, सॉरी पोलर, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि इसमें हम देखेंगे तो सभी की क्या होगी डायरेक्शन, किसी की किधर है किसी की किधर है, तो इसमें क्या होगा, तो नाइट्रोजन का फील्ड है वो क्या होता है उस टाइम पे जीरो, जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तो किसी का उधर किसी का उधर, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या करेंगे वो एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि एक दूसरे की डायरेक्शन इधर उधर है, जिगजैग है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये किसके लिए, हमारा पोलर के लिए, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ले लेते हैं हम, तो क्या होगा, ये सभी ऐसे अलाइन हो जाते हैं, ये भी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव और अपोजिट नेगेटिव। तो देख रहे हैं हम एक ही डायरेक्शन में ये अलाइन हो गए हैं, इसलिए इनका यहाँ पर कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगा, हम शो कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इनका डाइपोल मोमेंट होगा इस केस में।